हाय दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज 100। दोस्तों आज आपके लिए मैं और एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों, और ये सर्टिफिकेशन आप लोग कोई भी कर सकता है। तो पूरा डिटेल्स बताऊँगा, साथ ही दोस्तों आप लोगों को करके भी दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये सर्टिफिकेशन गेन करना चाहते हैं दोस्तों, तो फर्दर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा फर्दर आपको जॉब में, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स बताऊंगा, उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोज़ाना ऐसा ही वीडियो मैं अपलोड करता हूं इस चैनल पे। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके चलते सबको ये सर्टिफिकेशन कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोग को इस साइट पर आ जाना है। TDA मतलब द डिजिटल अड्डा, एक ऑफिशियल साइट है दोस्तों डिजिटल अड्डा का। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये क्विज सर्टिफिकेशन है, जो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है दोस्तों। इसका रिलेटेड पूरा डिटेल्स आपको दिखने में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इस पेज पर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं द डिजिटल इंडिया, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होगा सर्टिफिकेशन के लिए। जैसे कि दोस्तों आपको फुल नेम, आपका जो नेम है दोस्तों वो आपको फिल करना है। सेकंड में दोस्तों आपके ईमेल आईडी, उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं फिलअप कर लिया हूँ, मैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोग इस पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 10-11 क्वेश्चन है, टोटली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जिसमें दोस्तों आपको 7-8 क्वेश्चन राइट करना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक ही बार आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा बार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, आप लोग को सिर्फ स्क्रीन शॉट कर लेना है दोस्तों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऐसे है डी दोस्तों, 280 डी, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों, उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपको दिखने में मिल जाएगा, सेकंड का हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है डी हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, सॉरी दोस्तों फिफ्थ का डी होगा दोस्तों, ठीक है, फिफ्थ का डी हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका हो जाएगा, सेवन का दोस्तों यहां पे आपका बी हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पे आपका हो जाएगा HTTP इज मोर सिक्योर देन HTTPS, तो इसका दोस्तों एट नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसका भी आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नाइन नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो नाइन नंबर क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन PPC एंड SEO, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, नाइन नंबर का सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों टेन नंबर, टेन का आंसर हो जाएगा आपको बी होगा दोस्तों, ठीक है, तो बी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोग इस पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे भी स्कोर में क्लिक करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 10 में 9 मिला है मेरे को, तो यहाँ पर मेरे को सर्टिफिकेशन मिल गया। एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है, जो ट्रू है वो फॉल्स होगा दोस्तों यहाँ पर,
तो आपको फॉल्स करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग जो बेसिक डिटेल्स में ईमेल आईडी फिल किए थे दोस्तों, उसी ईमेल आईडी पे आपको आ जाना है, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों योर सर्टिफिकेट जी आर बोल के एक मेल आएगा आपका नाम के साथ, डियर संजीव चटर्जी, इस हिसाब से यहाँ नीचे में पीडीएफ में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह बहुत ही खूबसूरत सर्टिफिकेशन है दोस्तों, कुछ इस तरह आपको दिखने में मिलेगा। इसको आप लोग प्रिंट निकाल के अपना रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स टाइप कर किया गया है डिजिटल अड्डा की तरफ से, तो DCA का सर्टिफिकेशन है, ज़रूर इसको लीजिए दोस्तों, गेन कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।